बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू EIA स्पोकन इंग्लिश प्रोडक्शन। माय सेल्फ इमरान अली राय। टुडे वी हैव वेरी स्पेशल एपिसोड फॉर यू। सबसे पहले तो मेरे चैनल के नाज़रीन, सिर्फ वो जिन्होंने मुझे इस यकीन के साथ सब्सक्राइब किया था कि कुछ ना कुछ इल्म की किरणें उन तक पड़ती रहेंगी, मुबारक के मुस्तहिक हैं कि सिर्फ सब्सक्राइब करने से मेरे घर में एक गैर मामूली सा गिफ्ट आया है। और मैं ये कहूँगा, ये जो गिफ्ट है ये मुझे YouTube की तरफ से नहीं मिला, बल्कि मेरे नाज़रीन, मेरे फैंस, सब्सक्राइबर्स की तरफ से मिला है, मेरे तालब इल्मों की तरफ से मिला है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, और ऐसे ही आप लोगों को इसी गिफ्ट के बदले मैं आप लोगों तक एक अहम इंग्लिश का लेक्चर, जो इसी बटन के थीम के थ्रू मैंने इस वीडियो को तरतीब दिया, वो बनाकर पहुंचाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये लेक्चर इसी ही गिफ्ट का जवाब है, इसी तरह से खूबसूरत और सलीके के साथ बनाया गया है जिस तरह से आपने मुझे ये गिफ्ट अदा किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट थिंग एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस लेक्चर इज लेंड मी अ हैंड, मेरी मदद करो। हैव यू लिसन्ड दिस सेंटेंस बिफोर? क्या आपने ये पहले कभी फिक्रा सुना? Lend me a hand, किसी से मदद लेनी हो आपको कहना है Lend me a hand। टेक्स्ट कीजिए Lend me a hand। I shall feel obliged if you borrow me your time। I beg a charity of time of yours। मैं आपसे आपका वक्त मांगता हूँ। Lend me a hand, मेरी मदद करो। I shall feel obliged if you borrow me your time। And the last thing, I beg a charity of time of yours। The word is an expression when you are angry, you can say go banana, jazbati ho jana, gusse mein aa jana, to act like emotionally on something being wrong। If you will do something wrong, your parents will go banana। Yani aapke walidain गुस्से में आ जाएंगे अगर कुछ गलत हुआ। बनाना, गो बनाना। इफ यू विल डू समथिंग रॉन्ग, योर पेरेंट्स विल गो बनाना। दिस इज अ कॉमन एक्सप्रेशन, idiom, विद द वर्ब यू कैन यूज एज अ स्लैंग इन योर प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अ पीस ऑफ केक इज द सेम स्लैंग एक्सप्रेशन, idiom, टू यूज व्हाइल समथिंग इज क्वाइट इजीयर फॉर यू। The English test was piece of a cake। English का test बहुत ही आसान था। So किसी चीज़ का आसान हो जाना is just like a piece of cake। So you can say the English test was a piece of cake। Grab a bite। मैं इसको एक पहले lecture में भी बयान कर चुका हूँ, जो part 1 था 50 English sentences, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था चल कुछ टुकर बनिए, मीन्स के खाना खाना, grab a bite। सो इट्स ऑल्सो कॉमन एक्सप्रेशन, स्लैंग, idiom, यू कैन यूज एज अ फ्रेजल वर्ब। स्टॉप क्लैश, छोड़ो लड़ाई को, ना लेट्स grab a bite टू ईट, आओ कुछ खाना खाए। बाज़ूकात मेहमान आते हैं घर में, क्या करते हैं वो, आते ही अजीज़ो अकारब उनकी आदत होती हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू, कुछ पुराने ये वो, तो फिर एक आदमी कहता है बस करो, आओ कुछ पेट पूजा करें, खाएं। सो स्टॉप क्लैश, लड़ाई छोड़ो, नाउ लेट्स ग्रैब अ बाइट टू ईट। सो सेट द टेबल, मेज लगाना, मेज लगाओ। सेट द टेबल फॉर गेस्ट, मेहमानों के लिए मेज लगाओ। क्लियर द टेबल, टेबल को साफ करो, यानी अब इसमें से खाना उठा लीजिए, जो लेफ्ट ओवर है वो इसको क्लियर कर दो, टेबल को क्लियर कर दो, साफ कर दो, इसके ऊपर खाना जो है वो हटा दीजिए। सो क्लियर द टेबल, मेक श्योर नो लेफ्ट ओवर, देख लो मेज पे कोई बचा कुचा ना हो, जो लेफ्ट ओवर होता है वो बचा कुचा खाना, राइट। यू आर अ लिटिल लेट टुडे, देर होने पर, आज आपको कुछ देर हुई है, यानी आप देर से आए हैं। व्हाट मेड यू लेट टुडे, आप किस वजह से देर से आए हो। What made you late? यानी किस चीज़ ने आपको देर कर दी। What made you late today? You can express like that. You're a little bit late today. What made you late today? And there is something about restrictions. It's off limits. It's off limits.
off limits is a noun being used for a person who is a kind of an old person, such as आप किसी जगह पे खेलते हैं, वहाँ पे एक बुरा आदमी रहता है, वो आप लोगों को कहता है ये ना करो, ऊंचा ना हंसो, खेलो मत, भागो मत, दौड़ो मत. So you can say that old man is off limits. But respect the elders, बड़े लोग की इज्जत करनी चाहिए. लेकिन मैं एक आपको कॉमन एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, अगर आप उस आदमी का नाम रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, इट्स ऑफ लिमिट्स. तो ऑफ लिमिट्स में वो हर इंसान आता है जो आपको प्रिंसिपल पे लेके चलता है, जो आपको डिसिप्लिन पे लेके आता है, जो आपको कानून की खिलाफ वर्जी कभी भी नहीं करने देता. तो आप कह सकते हैं दैट मैन इज ऑफ लिमिट्स, आवर टीचर इज ऑफ लिमिट्स, आवर पेरेंट्स आर ऑफ लिमिट्स. ये आप सख्त के लिए भी कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, वो काफ़ी ऑफ लिमिट्स हैं, यानी कि वो कानून की पासदारियाँ करते हैं. घर में हो, घर में भी हमें ज़्यादा ऊंचा नहीं बोलने देते, झूठ नहीं बोलने देते, शोर नहीं करने देते. सो दैट मीन्स योर पेरेंट्स आर ऑफ लिमिट्स. नजरों से ओझल, पहुंच से दूर, मीन्स आउट ऑफ बाउंड. द बैल वेंट आउट ऑफ बाउंड, जो गेंद थी वो क्या हुआ उसको, वो पहुंच से ज़्यादा दूर चली गई, यानी कि लंबी हिट लगी, छोटा सा ग्राउंड था, बॉल बहुत दूर चली गई, पांचवें छठे घर जहां पे कोई किसी को जानता भी नहीं है. इट मीन्स आउट ऑफ बाउंड. हियर इज समथिंग दैट यू नीड एन एटिकेट टू सेंड एन इनविटेशन टू समवन. यू कैन से वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, वुड यू केयर टू. हमको जब किसी को दावतनामे पे कुछ लिखना होता है, हम उसको पहले अल्फाज में कैसे एडिशन में करें, ये तो हमें कहना आता है कि कम, राइट? तो उसमें चीनी मीठा कैसे डालना है, वो ये अल्फाज हैं, ये फिक्रात हैं. आप ये लिख सकते हैं, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, वुड यू लाइक टू केयर टू कम, आई वुड बी डिलाइटेड टू सी यू, इट विल प्लेस मी, योर अराइवल विल प्लीज अस. फिर सुन लीजिए, जब भी आपको ये कहना हो, किसी को इनवाइट करना हो, आपको कुछ लिखना है, ईमेल करना है, टेक्स्ट करना है, राइट अप करना है, तो आप इन अल्फाजों से शुरू कर सकते हैं. बड़े पोलाइट से वर्ड्स हैं, पोलाइटली से कोई एक आप इनमें से मुंतखब कर लीजिए. वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस, वुड यू लाइक टू कम, वुड यू केयर टू बी अ पार्ट ऑफ अस, यानी आप हमारा, हमें ज्वाइन करेंगे. आई वुड बी डिलाइटेड टू सी यू, यानी मुझे खुशी होगी आपको देखकर. इट विल प्लीज मी इफ यू कम, योर अराइवल विल प्लीज अस. यस, आई वुड लव टू, हाँ, अगर आप, आपको दावतनामे में कुछ लिखा गया है मैसेज पे, टेक्स्ट पे, आप उसका ये जवाब दें शॉर्ट में, प्यारा सा उसको प्लीज कर दे, आप इस तरह लिखिए, यस आई विल लव टू, आई वुड लाइक टू ज्वाइन यू, आई वुड लव टू कम, आई वुड लव टू सी यू टू, I would love to be a part of you. I already was waiting for your invitation. Yani main ta pehle vi tada intezar kar reha si ki mainu koi bulawa lave, mainu koi bulave. Would you like to be a part of us? Yes, I would love to be part of it. Will you please ask by your arrival? It's my pleasure also to join you. Would you please like to delight us by joining us? Joining you is my pleasure. Surely, I will be on time. Have you got my point? I would like to translate. Would you like to be a part of us? Kya aap aayenge? Yes, I would love to be part of it. Ji, main aaunga. Would you please us by your arrival? Kya aapki aamd hame khush karegi? Aap hame khush karenge apne aane se? Kya aap lazmi aayenge jisse hame khushi ho? Yeah, it's my pleasure also to join you. मेरे भी यही खुशी थी कि मैं आप लोगों को join करूँ. Would you please like to delight us by joining us? Joining you is my pleasure. आपको मिलना, आपके पास आना मेरी आमद, मेरे लिए खुशी है. Surely, यकीनन, I will be on time. मैं वक्त पे पहुँच जाऊँगा, इंशाअल्लाह. Talking to children with a beautiful smile, you can say, Hi little, what's your name? What does your mama call you? Do you often sleep? इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन कीजिए. उधार लेना, उधार लेने के लिए टेक्स्ट करना. Would you please borrow me some money? क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं?
would you please borrow me some money? I will feel obliged if you borrow me some money. Have you got my point? I will feel obliged if you borrow me some money. उधार लेते हुए politely किस तरह से उधार लेना है? Would you please borrow me some money? I will feel obliged if you borrow me some money. That's it. क्या मुझे कुछ उधार दे सकते हैं? Would you please borrow me some money? Thank you. You are really helpful. शुक्रिया अदा करते हुए. और शुक्रिया तभी अदा किया जाता है जब किसी ने आपका कोई मतलब पूरा किया हो, काम किया हो. So, saying this thing is really pleasing. You can say, thank you. Thank you. You are really helpful. I'll owe you on being timely helpful. Owe you means कि मैं भी इसका एहसान उतारने की कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह. I'll owe you on being timely helpful. आपने मेरी जो मदद की है, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ, इसका एहसान मंद रहूँगा. The third line, you saved our time by lending your time. यानी टाइम एक वो है आप किसी से मांगते हैं, वो उस टाइम की मुद्दत में आपकी जो मदद कर रहा है वो लैंडिंग हो रहा है, यानी लैंड कर रहा है, टाइम दे रहा है, स्पेंड कर रहा है. मींस यू सेव्ड अवर टाइम, आपने हमारा वक्त बचाया बाय लैंडिंग योर टाइम, अपने वक्त देने से. ये भी अच्छा है, राइट? योर टाइम मेड अस एबल टू से थैंक यू. कितना ज़बरदस्त सेंटेंस, और दुनिया का सबसे अच्छा और स्वाद लेने वाला जो सेंटेंस है, जैसे जज़ाकुमुल्लाह व अहसनुल जज़ा, यानी इतना कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी इसका अच्छा अजर दे. सो लेट्स रिपीट आफ्टर, थैंक यू, यू आर रियली हेल्पफुल. ओपन योर माउथ से थैंक यू, यू आर रियली हेल्पफुल. आई ओ यू ऑन बीइंग टाइमली हेल्पफुल. You saved our time by lending your time. Your time made us able to say thank you. Jazakumullah wa ahsanul jaza. Agar koi thank you keh de, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. You can reply, need not, not at all, mention not. That's all right. Sure. Thank you. Need not. Thank you. Not at all. Thank you. Mention not. Thank you. That's all right. Thank you. Sure. महफिल में कुछ कहते हुए कि मैं यहाँ आया, मुझे खुशी हुई, मेरे लिए खुशी की बात है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यकीन नहीं कर सकता. Right. It's great honor to be here. It's my privilege to be here. I can't believe that I am at a highly prestigious gathering of honorable personalities. यकीन नहीं आया इतने बड़े लोगों की महफिल में मैं खड़ा हूँ. Thank you for giving me permission for my voice. It's a great honor to be here. आप इतनी बड़ी महफिल में हैं, 10 लोगों से ज़्यादा लोग आपके सामने खड़े हैं, आप माइक पे, आप कहिए. It's great honor to be here. It's my privilege to be here. I can't believe that I am at a highly, highly prestigious gathering of honorable personalities. Thank you. Thank you for giving me permission for my voice. तो कितनी आप सुंदर सा बोल रहे होते हैं. ठहर ठहर के, संभल संभल के, अल्फाजों को प्रो प्रो के आप बोलें. It's great honor to be here. To be honest. It's my privilege to be here, especially I cannot believe that I am at a highly, highly prestigious gathering of honorable personalities. Honorable personalities. हाथ को फैलाइए, उनके तरफ हाथ को भेजिए. Honorable personalities. लहराइए, honorable personalities. I can't believe that I am at a highly prestigious gathering of honorable personalities. Thank you. ये इधर को मुंह घुमाया, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे पैनल पे आदमी जो बैठा है माइक वाला. थैंक यू फॉर गिविंग मी परमिशन फॉर माय वॉइस. राइट, इस तरह के अल्फाज आपके बड़े ही काम आ सकते हैं. बस पहले तीन अल्फाज ही आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन होते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कुछ लोग होते हैं
वो लोग क्या होते हैं, उनके कुछ मिजाज होते हैं, जैसे बद मिजाज, चेट चढ़ा, हर बात पर शिकायत करने वाला, टर टर करने वाला, जल्द गुस्से में आने वाला, किसी को बगैर इरादे के गुस्से में ले आना। ये एक्सप्रेशन मैं आप लोगों तक वोकैबुलरी की सूरत में इन्फ्यूज़ करना चाहूँगा। इसका तो मैं एक अलग से लेक्चर भी बना सकता हूँ, इसका और शॉपिंग का। बदमिजाज, चिड़चिड़ा, ग्रम्पी। ग्रम्पी है ना, वो एक एनिमेटेड कार्टून फिल्म थी जिसका नाम था सेवन ड्वार्फ द स्नो वाइट, इस तरह की। उसमें एक बौना जो था वो ग्रम्पी भी था, बड़ा गुस्सीला सा था। मुझे वो बड़ी ज़बरदस्त, मैंने उस लाइफ में दो दफ़ा फिल्म देखी, वो एनिमेटेड कार्टूनाइज्ड फिल्म थी सेवन ड्वार्फ एंड अ स्नो वाइट, या फिर द स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। तो उसमें ये काम हुआ था कि सात बौने थे, एक स्नो वाइट लड़के थे, वो बड़ी थे कद की, बाकी सात बौने थे। तो उसमें एक जो सातवां बौना था वो काफ़ी गुस्से वाला था और प्यारा भी वही सबसे लगता था, राइट। सो ग्रम्पी, बदमिजाज, चिड़चिड़ा, आप उसको लाजमी देखिएगा फिल्म को। जिसने देखे मुझे कमेंट में बताइए। द स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। ग्रम्पी, बदमिजाज, हर बात पर शिकायत करने वाला क्राउची, टर टर करने वाला स्नैपी, जल्द गुस्से में आने वाला क्रॉचटी, किसी को बगैर इरादा के गुस्से में ले आना, रब अप द रॉन्ग वे, इट्स एन इडियम, बगैर इरादे के, विदाउट एनी इंटेंशन, विदाउट एनी इंटेंडिंग, आप किसी को गुस्से में ले आते हैं, आपका इरादा नहीं होता, गैर इरादी तौर पे कोई गुस्से में आ जाता है, बल्कि आपके गुजरने से उसको स्मेल आती है, वो गुस्से में आ जाता है। मीन्स यू हैव रब्ड अप द रॉन्ग वे, आप जा रहे हैं उसके पीछे, स्लीपर के ऊपर आपका पाँव आ गया, उसकी जूती उतर गई। मीन्स यू हैव रब्ड अप द रॉन्ग वे, आप जाते हुए आपने डिकार लिया, डिकार ली, आपने बर्प किया, मीन्स यू हैव रब्ड अप द रॉन्ग वे। मीन्स ये उसके लिए इडियम आता है कि मैं तो ऐवी इतों गुजर रही थी, इतों नंग रही थी, तो गुस्से जा गया, पागल है, पागल के नहीं। मीन्स रब अप द रॉन्ग वे, इट्स एन इडियम। नाराज़गी जाहिर करना, ये नहीं, अगर मैं कहना चाहूँ मुझे इससे चिढ़ आती है, सो आई वुड से दैट रियली गेट्स टू मी। गेट, गेट टू समवन, गेट टू यू, गेट टू मी, गेट टू हिम, गेट टू हर, गेट टू इट, गेट टू देम, गेट टू यू। मीन्स आपको गुस्सा आना इससे, उसको गुस्सा आना, उस लड़की को गुस्सा आना, उनको गुस्सा आ जाना। गेट टू समवन, किसी को गुस्सा आ जाना। सो अगर मुझे गुस्सा है, उस किसी से चिढ़ाए, आई वुड से दैट रियली गेट्स मी। मुझे गुस्सा दिलाती है, दैट टिक्स मी ऑफ, उसे गुस्सा दिलाती है, दैट टिक्स हिम ऑफ, उनको गुस्सा दिलाती है, दैट टिक्स देम ऑफ, तुझे गुस्सा दिलाती है, दैट टिक्स यू ऑफ, that ticks me off, that ticks you off, that ticks her off, that ticks you off, that ticks them off. Mujhe ghin aati hai, I get abhorred, ghin aana, I get abhorred. Mujhe tash aati hai, it makes me irritated, irritated, irritated. Now, the thing that I just want to give you a touch of shopping sentence is, kya aapke paas kuch sasta hai? Have you got anything cheaper? क्या ये किसी और रंग में मिलेगी? Would you have this in another color? क्या आपके पास इसमें कुछ सस्ता है? Do you have something less pricey? Repeat after. क्या आपके पास कुछ सस्ता है? Have you got anything cheaper? Have you got anything cheaper? क्या ये किसी और रंग में मिलेगी? Would you have this in another color? Would you have this in another color? क्या आपके पास इसमें कुछ सस्ता है? Do you have something less pricey? Do you have something less pricey? उसी का जवाब, I'm afraid, यानी माजरत के साथ। बाज़कात I'm afraid का मतलब होता है मैं खौफजदा हूँ। लेकिन जब आपने किसी से माजरत करनी हो, ना कहना हो, सॉरी कहना हो, you can say I'm afraid। क्या आपके पास पेंसिल है? Do you have pencil? No, I'm afraid, I have not. नहीं, माजरत, मेरे पास नहीं है। So, इसी तरह, I'm afraid, that's the only color we have. That's the only color we have.
माजरत के साथ हमारे पास सिर्फ यही रंग रह गया है. Sorry, we don't have any more in stock. अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मजीद नहीं है. I'm afraid we don't have any more left. हमारे पास मजीद कुछ नहीं बचा. माजरत के साथ, I'm afraid. That's all for now. Thanks for being with me. And the important thing that I just want to share with you is the website that I have prepared for you. You can take any kind of test in English, such as BA English, test of Enaton, the forms of verbs list in Urdu, the forms of verbs test in Urdu, will shall test in Urdu, have as a test in Urdu, English tenses test in Urdu. You can attempt any kind of test in Urdu language that will help you to improve your English by taking tests through our website. The website, if you want to know, I can tell you in the comments bar, because it's not allowed to put the website with the .com over the YouTube, because they're always giving limited ads over there. There are some issues. Okay, well, you can ask, what's the name of the website? What is the domain of the website? What's the website? Give us the link. I can provide you in the comments. अगर आपको इंग्लिश के किसी भी हवाले से कोई भी किस्म का टेस्ट देना है, मुझसे पूछिए. आप गूगल पे भी लिख सकते हैं. You can search in Google, English tenses in Urdu test. BA English by EA English. Test of Enaton by EA English. ESMR test by EA English. Will shall test by EA English. Have as test by EA English. Forms of verbs test by EA English. Forms of verbs in Urdu test. You can take any kind of test. It's very easier to help you to improve your English by taking tests, because the practice makes more man perfect. The practice makes a man more perfect. Well, that's all for now. Thanks for being with EA.